है और अपनी अमृतवाणी को कविताओं से बोलता है, ऊंचे शोर में बोलता है। तो यहाँ 18वें में क्या कहा है, ऋषि मना ये ऋषिकृत यु तय है, ऋषिकृत उस ये ऋषिकृत दोष ऋषि और संत रूप में प्रकट संत परमात्मा द्वारा सैंसनाणी था यानी हजारों वाणियाँ बोली गई थी, वो सवरसा ऋषि मना उनके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। और पदवी कवि नाम जिस कारण से वो प्रसिद्ध एक कवियों के भी पदवी को प्राप्त करता है उसको कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वो परमात्मा होता है। तृतीयम धाम महीस है, तीसरे धाम की उस महान पृथ्वी पर सिसतीमान उसको स्थापित करके संत सोम वो अमर परमात्मा विराजमानू वहाँ पर विराजमान है। राजति सतूपम तेजो में शरीर में एक सतूप माने गुम्बज में बैठा है वो। ये आप भी पढ़ दो, कोई बालक है बस इन मूर्ख बना रखा था हमारे को। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र नंबर हम 18 पढ़ रहे हैं। इनका अनुवाद देखो इन अंग्रेजों का, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, कति स्पष्ट लिखा संस्कृत में तृतीयम तीसरा धाम माने धाम यानी लोक, देव्यान और पित्रान ये अनुवादकर्ता की सोच है, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम विराजमान यो ज्ञान योगी अड़ादियन जो ज्ञान योगी है प्रकाश करने वाला है। बता अड़ंगा कर दिया ना, अब ये चाव थे इनका याद आ गई कि थे भाई भगवान तो एक देशीय को नहीं, महर्षिदानंद तो परमात्मा को एक देशीय नहीं बताता, वेदों में एक देशीय आ गए, यहाँ इस इन्होंने गुंडी अड़ा दी कि कोई ज्ञान योगी के बारे में कह रखा होगा, ज्ञान योगी का इसमें कोई लिंक है को नहीं, भगवान की महिमा चलती आ रही है। अब यहाँ इनका याद आ गई परमात्मा ने इनका वहाँ पत्थर गेर दिए, कहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में देखियो, ऋग्वेद मंडल नंबर 86 है वो 96 में जा रहे थे, अब फिर आगे वापस इसके मंत्र नंबर 27 में है कि जो परमात्मा धूलोक के, धूलोक माने तेजोमय लोक के अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहाँ भूल गए ज्ञान योगी, ये स्पष्ट है कि वो तीसरे पृष्ठ पर वहाँ बैठा है विराजमान है, वहाँ रहता एक देशीय है। अब यहाँ देखो ये अब इनकी या जो एरा फेरी या चोरी इन चोरों की अब समझ में आ जाएगी अपने, यहाँ देखो हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में आ गए और मंत्र नंबर 18 पढ़ रहे हैं। या लिखा अमर परमात्मा सोम स्वरूप परमात्मा माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता है यानी सबका कल्याण करने के लिए सबका धारण पोषण करने के करता हुआ इच्छा करता हुआ जो महान हुआ परमात्मा तृतीयम धाम ये छोड़ दो इनका तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम विराजमान है ज्ञान योगी छोड़ दो इनका विराजमान है बस। और फिर आगे क्या कह रहा है देखो ऋषिकृत सबको ज्ञान प्रदाता ऋषि मना सर्वज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा ऋषि मना ये बहुवचन है एक सिंगल नहीं, ऋषिकृत माने उस ऋषि या संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा कृत माने बोली गई वाणी बनाई गई वाणी सेंसराणी था, ऋषि मना उन ऋषि स्वभाव वाले संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए सर्वसा माने सुखदायी बहुत ही अच्छी प्यारी लगती है उनको उनकी वाणी, इसका अर्थ ये है। अरे कवि नाम पदवी जो कांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, कोई बात हुई कवि नाम वो कवियों की भी पदवी प्राप्त करता हो परमात्मा उसको कवि भी कहते हैं, इसका अर्थ ये इन और सहसनिथा सहसनिथा का अर्थ कर दिया अनंत प्रकार की सत्वनीय है अनंत प्रकार की वाणी। अब पुण्यात्माओं या दया परमात्मा की कि ये वेद जीवित पा गया अपने को, नहीं तो अब तो ये आगे थे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा हम यहाँ फिट कर दिए थे, वेद तो हमने देखे भी ना थे, इस दास ने 37 साल का हो गया था जब ये उपदेश मिला। और पुण्यात्मा अब ये वेद और कतेब हमारे लिए एक
रामायण सी बनगी कति सिंपल से, क्योंकि ज्ञान ही तो है इनमें अमृत, समझ में आया। तो संस्कृत एक भाषा है, एक पात्र है, उसमें वस्तु क्या है, वस्तु से लिंक है हमारा, उसने वाटर कहो से जल कहो नीर कहो। अब उस वाटर का वाटर समझ में नहीं आंट दिया है हमारा, वो है क्या, हटर बटर खड़े गए पता नहीं क्या, तो ये भगवान ने समझ में नहीं आंट दिया है हमारे, अब हमारे समझ में आ गया, बात खत्म हुई। अब फिर क्या देखो, चौथे धाम में भी वो परमात्मा रहता है, तीसरे आगे चौथे धाम, चौथा लोग भी बताया, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 का 18 पढ़ लिया, 19 में देखो, तुरियम धाम समुद्रम। अब समुद्र का अर्थ यहाँ है कि जैसे समुद्र जो है वो जल का स्रोत है, उस समुद्र में से ही सब जल का स्रोत है, यानी वहीं से वाष्प उठती है, फिर बर्फ बन जाती है, फिर बह के चल पड़ता है, वर्षा भी होती है, बादल बनता है। इसी प्रकार समुद्र जो है यानी सब का उत्पत्ति स्रोत, वो चौथे लोक में रहता है, कौन सा, जैसे एक सतलोक नीचे से, फिर ये सरपुरुष अक्षर पुरुष के छोड़ दे तो नासवान है, ऊपर के अमर लोकों की बात है। सतलोक एक, अलखलोक दो, अगमलोक तीन, और चौथा वो अकेय लोक है, उसमें अकेले परमात्मा विराजमान है कबीर जी अपने अन्य रूप धारण करके, और वहाँ से सब की उत्पत्ति की, सब नीचे के भी तीनों लोग वहीं बैठ के उत्पत्ति की, तो वो समुद्र कहा है, वो चौथा लोक सब का उत्पत्ति सथल समझ लो। ये इन्होंने कोशिश भी यही की समझाने की, देखना। अब हमारे यहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के और मंत्र नंबर 19 पाएंगे, 18 पढ़ दिया था, समुद्रम तुरियम धाम महिषे विवक्ति, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्रम इसका अर्थ है जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, यानी सब समुद्रम माने सब का उत्पत्ति स्थल, इसका अर्थ ही होना चाहिए। वह तुरियम माने चौथा, तुरियम माने चौथा, और धाम माने परमपद परमात्मा है, तुरियम धाम वो चौथा धाम है, और उसमें वो परमात्मा रहता है, उसके अंदर वो परमात्मा, और विभक्ति वही आकर के नीचे अपने ज्ञान को ठीक ठीक विस्तार के साथ बोलता है, इसका अर्थ ये बनता है। विभक्ति माने वर्णन करता है, महापुरुष उस तुरियम चौथे परमात्मा का वर्णन करता है, वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है और सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ इस संपूर्ण संसार का उत्पादक है, हो गया। एक तो ये कह है कि प्रकृति ईश्वर और जीव, ये दानंद का सिद्धांत है कि ये इनका कोई करता नहीं, और यहाँ स्पष्ट लिख रखा है वेद में अपने कर कमलों से अंग्रेजा ने, दानंद के चेल्या ने, और दानंद खुद कह रहे हैं कि इसमें स्पष्ट लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं कि वो सब का सारे जगत का उत्पादक हो, सब का यानी सब में सब कुछ आ गया, जीव भी प्रकृति फिर कहाँ रहेगी, और वास्तविकता यही है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, यही 20 में देखो इसका 9 के 96 का ऋग्वेद के 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार संग को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उत्सवर से गर्जता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। इसका भार्थ ये है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पर एक बहुत बड़े समूह का वो मुखिया बनता है, एज ए गुरु बनता है, बहुत बड़े संघ का, बहुत बड़े जनसमूह का वो मुखिया बनता है, राजा के समान। अब देखो सेनापति की तरह, अच्छा देखो ये हम चल रहे 20 में, और यहाँ लिखा है उस प्रकृति खंड में भली प्रकार प्रविष्ट होता है,
और जैसे मरिए जैसे मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य शरीर धारण करके आता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान मनुष्य शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है और उस प्रकृति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा देवदूत। यहाँ तीन आगे बकवाद कर दी, धना नाम है जो भक्ति धन के व्यक्ति हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको वो परमात्मा इस प्रकार आता जैसे मरिए, मरिए माने मनुष्य यहाँ है, इस कारण देखो मरिए ने माने मनुष्य के समान सुभर तन्व माने शरीर, सुंदर शरीर को मनुष्य जैसे शरीर को धारण करता हुआ नीचे आता है मनुष्य शरीर सुंदर शरीर में। यहाँ मरिए यहाँ लिखना था मरिए माने जैसे मनुष्य नो समझ लो और सुंदर शरीर को धारण करता हुआ आता है, इसी प्रकार भगवान आता है। और देख लो थोड़ी सी कलाबाजी इनकी और दिखा देते हैं। अब नौ के छणुए का 20 पढ़ दिया, 21 मोर दे कमाल कर रखा। हे प्रकाश रूप, हे प्रकाश रूप महापुरुषों से उपास्य मान आप हमको पवित्र करें वैदिक वाणियों के द्वारा। कनिकर दत्त माने अपने अमृत वचनों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त हों और फिर आओ भगवान। जैसे आप अपनी लीला करते हो 22 में कहा है शांति रस में तत्पर परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति फैलाता हुआ सर्वव्यापक यम बकवाद रखे न कहते हैं संपूर्ण संसार में शांति फैलाता हुआ शांति रस में तत्पर परमात्मा जो सर्वोपरि बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे अच्छा ज्ञान रखता है, वह मित्र के हाथ पकड़ने के समान मंगलमय शब्द करता हुआ हमको प्राप्त होता है। परमात्मा के विषय बताया है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है जैसे एक दोस्त करता है और वो अपनी अमर वाणी से ज्ञान देता है, उच्चारण करके अपनी अमर वाणी बोलता है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर के अन्य लोकों में भी रहता है, ऊपर लोक हैं जहाँ भगवान रहता है, परमात्मा मनुष्य सदृश है, वेद बताते हैं उसका नाम कबीर है, सह शरीर है। और जो लीला उस काशी वाले धानक दुलाहे कबीर ने की थी वही परमात्मा के लक्षण वेदों में वर्णित है और आँखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ, तो स्पष्ट हुआ इन सब से मिलकर कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करतार। गरीबदास जी कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अभी न अज्ञानियों का अज्ञान हो गया साफ जो ये कहते हैं कबीर परमात्मा नहीं एक जीव है, ऊपर कोई लोक नहीं कल्पना है, परमात्मा कहीं साकार नहीं वेदों में बोला ये झूठ है, झूठे ये हैं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार कहे कबीर सुनो भी साधो या सब उल्टा व्यवहार और सचों को तो झूठा बतान झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार वैसा उड़ मूल मूल खासा गल मोतियों के आर वैसा उड़ मूल मूल खासा गल मोतियों के आर पतिव्रता को मिले न खादी सूखा नरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।
पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेक की, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। और ये नास्तिक अभिलाष दास जी पारखी बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी नसीन, ये क्या कहता है कि परमात्मा हमें कोई लाभ हानि नहीं कर सकता, हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, हमें कोई कोप या दया नहीं करता, और वेदों को सच मानता है। और वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिख रखा, परमात्मा अपने साधक के घोर पाप को विनाश कर देता है। पाप नाश होने से ही सुख होता है, उसी का नाम दया होना है। दया कर दी परमात्मा ने, हमारा दुख निवारण कर दिया और सुख में परिवर्तित कर दिया। फिर ये अभिलाष दास नास्तिक वेदों को सत्य मानता है और कहता वेदों में कोई ऐसा लोक नहीं, परमात्मा साकार नहीं, ये झूठ बोला है, किसी ने उनको समझा नहीं उन्होंने। अभिलाष दास ये नास्तिक कहता है कि शरीर में वैसे तो 11 द्वार भी बताए हैं, लेकिन कबीर साहब ने 10 द्वार बताए, हम 10 द्वार मानते हैं। कबीर साहब ने तो 12वें द्वार में परमात्मा बताया, 12वें द्वार पार करके सतलोक प्राप्ति होगी। शरीर तो अलग है, लेकिन हमने जिन द्वारों को पार करके परमात्मा पाना है, वहाँ मान ले के उन द्वारों का जिक्र है। इससे सिद्ध है कि इनको कख पता नहीं और कितनी दुनिया को मिसगाइड किए बैठे हैं, माँ बाप के भागी हो रहे हैं। दास की प्रार्थना है कि ये संत स्वयं भी समझें और इस ज्ञान को अभिमान त्याग कर ग्रहण करें, अपना कल्याण करवाएं और अपने शिष्यों से भी कह दें कि भाई कल्याण करवा लो, हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर ये इंसान हैं और कल्याण चाहते हैं, ये अपना भी और अपने अनुयायियों का भी, तो इनको अब विवश होना पड़ेगा ये शब्द बोलने के लिए, नहीं तो महापाप के भागी भगवान के दरबार में होंगे। बोलो सतगुरुदेव।